एक मिनट के, ये प्यून है और ये मैनेजर है। जो वर्ड लिखा हूं कोई बाउंस तो नहीं कर रहा है। ओपीआर ऑपरेटर, प्यून मैनेजर, ठीक। प्यून की सैलरी हमने रखी 3000 रुपए और मैनेजर की सैलरी लिखी रखी 10000 रुपए। हम सब कैलकुलेट यही करेंगे। ये सैलरी किसकी बन रही थी? ऑपरेटर की। कोई डाउट है इस वाले वर्ड की जरूरत है क्या? ये सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे मैनेजर की और ये सैलरी कैलकुलेट हम करेंगे ऑपरेटर हो गया मैनेजर हो गया पीओ की। कोई डाउट है? ये सैलरी अगर हम देखें और ये जो अमाउंट होगा ये इस तरह से किसके लिए होगा? ऑपरेटर के लिए। ये तो अगर प्लेन सैलरी बनाएंगे और प्लेन एक्सेल में बनाएंगे तो सबको यही चीज मिलेगी। ये वाला काम मत कीजिएगा, ये समझा रहे थे, यही मिलेगी। अब आप कुछ सोच के बताइए, छोटे बच्चे हैं फिर भी आपको लगता है कि प्यून को ट्रैवल अलाउंस मिलना चाहिए? यस सर। प्यून कहाँ बाहर जाएगा? चपरासी को आप किस काम से भेजेंगे बाहर? क्या चपरासी को चेक देके कहेंगे कि जाके बैंक में पैसा जमा कर दो? सोच के देखो। क्या खरीदने जाएगा? चपरासी अगर खरीदने जाएगा तो ऑफिस का काम कौन करेगा? और जो चीज खरीदी जाती है या ऑफिस में रखी जाती है ये ड्यूटी बनती है अकाउंटेंट की, क्योंकि सीधे पैसा उसके पास रहता है। आप खुद सोचिए, आपके पास पैसा रहता है ऑफिस का 1,00,000 रुपया है और ऑफिस में डिमांड हुई कि 50 डस्टर लाने हैं, ध्यान से 50 डस्टर खरीद के लाने हैं, तो क्या इसकी गुंजाइश नहीं है कि अगर मैंने आपको दिया कि ये पैसे लो और बाहर जाओ, ये रहा आपके बाहर जाने आने का किराया और आपके खाने का पैसा, ध्यान दो, मैंने 100 रुपया उसको दिया आने जाने के लिए और खाने पीने के लिए, डस्टर डालने के लिए दिया, क्या इस बात की गुंजाइश नहीं है कि डस्टर मार्केट में मिलेगा 10 रुपया का, वो बिल बना के लाए 15 रुपया का? हाँ या ना? और यही होता है आजकल, पेट्रोल हो जाएगा कुछ ही चीज में, कुछ ना कुछ वो गोलमाल करेगा करेगा। तो ऐसा काम अकाउंटेंट करके बहुत से गाली सुनेगा सुनेगा और वाह, ऐसा वो चाहेगा कि ऐसा काम हो मेरे साथ, नहीं हो।